जय शिरोवाली माता की। माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माँ की कृपा पाने के लिए 9 दिनों को बेहद खास माना गया है। बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि का महापर्व 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रहा है। इस बार देवी शक्ति हाथी पर सवार होकर भक्तों के कष्ट हरने आ रही हैं। इस दौरान जहां एक तरफ माँ दुर्गा की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में बताई गई इन चीजों को नवरात्रि के दौरान खरीदकर घर लेकर आता है तो उसके घर माँ दुर्गा संग देवी लक्ष्मी भी पधारती हैं। तो आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। सबसे पहली चीज का नाम है कलश। कलश को शुभता का प्रतीक माना जाता है और नवरात्रि की शुरुआत भी कलश स्थापना से ही होती है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अपने घर कलश जरूर लेकर आएं और विधि पूर्वक इसकी स्थापना करें। इससे देवी दुर्गा का आपके घर में आगमन होता है। दूसरी वस्तु के बारे में बताएं तो शारदीय नवरात्रि में मां के पदचिन्ह घर पर लेकर आना बेहद शुभ माना गया है। इस बार शारदीय नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के पदचिन्ह खरीद कर अपने घर लाएं और उनका पूजन करें। इनकी पूजा से घर में शुभता बनी रहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि देवी के पद चिन्ह को फर्श पर न लगाएं, इससे माता रानी का अपमान होता है। आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह को पूजा स्थान के पास ही लगाएं। तो वहीं हिंदू धर्म में चांदी को बेहद शुभ माना गया है। नवरात्रि के शुभ दिनों में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा वाली चांदी का सिक्का खरीद कर माँ के चरणों में रख दें, फिर पूरे 9 दिनों तक माँ की पूजा के साथ इस सिक्के की भी पूजा करें। नवरात्रि खत्म होने के बाद इस चांदी के सिक्के को अपनी तिजोरी में रख लें, इससे माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा बरसती है और धन धन में बढ़ोतरी होने लगती है। जैसा कि सभी जानते होंगे कि बाजार में मिट्टी से बने छोटे छोटे मकान मिलते हैं, आप इन्हें नवरात्रि में खरीद कर लाएं और माता रानी के चरणों में रखकर पूरे 9 दिन इसकी पूजा पाठ करें। ऐसा करने से आप असली की प्रॉपर्टी जल्द खरीद पाएंगे, वहीं आपके घर को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। इसी के साथ नवरात्रि में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में श्रृंगार का सभी सामान खरीदने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। वहीं जो लड़कियां कुंवारी हैं उन्हें उचित और मनचाहा वर मिलता है। इसकी वजह यह है कि माता रानी को श्रृंगार करना अति प्रिय होता है और नवरात्रि में माँ को 16 श्रृंगार का सामान भी अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, आप भी शारदीय नवरात्र के शुभ पर्व पर माँ दुर्गा के आगमन के साथ ये चीजें लेकर आएं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।